दिवाली का जिस तरह से त्यौहार आ रहा है, पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, क्या जागरूक किया जा रहा है, क्या अभियान चलाया जा रहा है? हमारा पब्लिक से एक ही अनुरोध है दुकानदारों और पब्लिक से कि आम जनता को परेशानी ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की गुप्त अप्रिय घटना ना घटे, आम जन को सुरक्षा मिले और भीड़ वगैरह ना हो, क्योंकि वारदातें भीड़ में बहुत ज़्यादा होती है, अपराध ज़्यादा बढ़ते हैं त्यौहार के ऊपर। इसलिए हम लोगों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और हम ये जागरूक अभियान चला रहे हैं कि भाई अपना सामान अंदर रखिए, व्हीकल को साइड में लगाइए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। सर, जिस तरह दिवाली का पर्व आ रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा क्या प्रबंध किए गए हैं? पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हुए हैं, पेट्रोलिंग रात को भी हमारी नाके भी हैं और जगह जगह ड्यूटियाँ लगाई हुई है, ट्रैफिक ड्यूटियाँ भी लगी हुई है, आम जन को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो पर्व आ रहा है, लोगों की भीड़ रहती है बाजारों में, सड़कों पे, तो यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए और जो लोगों ने दुकानों के बाहर सामान वगैरह रखा हुआ है, इसको किस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि दुकानदारों को काम भी चल सके और लोगों को किसी की तरह की दिक्कत भी ना हो? हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय कैप्टन श्री मकसूद जी अहमद जी के दिशा निर्देश अनुसार हमने त्यौहार के ऊपर आज अभियान चलाया है। वो हमारे कंपनी का सबसे पहला सर कैप्टन है, वो कमेटी के कर्मचारी हैं और हम दुकानदारों से यही अपील कर रहे हैं कि दिवाली का त्यौहार साल में एक बार आता है, इसको अच्छे तरह से मनाया जाए और जो अपना सामान है अपने सामान को अंदर ही रखे लोग हैं ताकि आम जन को कोई दिक्कत ना आने जाने में, भीड़ के अंदर अपराधी कोई अपराध कर सकता है, इसकी भी हम लोगों से अपील कर रहे हैं। सर, जिस तरह से यातायात को सुचारू रूप से सड़कों पे, जैसे अब है चौड़ी सड़कें हैं, उस पर किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा? उस पर भी हम अपने प्रबंध करा रहे हैं, हमने राइडर लगा रखी है और हमने पैदल गश्त भी लगा रखी है और हमारी गाड़ियां भी गश्त कर रही है और जो भी गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं उनसे हम अपील कर रहे हैं भी अपनी गाड़ी को साइड में लगाएं ताकि आम जन को कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू सर।